आई थिंक इट वाज अ गुड मीटिंग. नेक्स्ट स्टेप क्या बोलते हैं आपके शहर आके इसको आगे लेके चलते हैं. या वेरी नाइस टू मीट यू. थैंक यू. हे देव, दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग. ब्रिलियंट डील. बस अपने टर्म्स और कंडीशंस पे फाइनल हो जाए. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सॉरी मैं आज बहुत लेट हो गई. मिस्टर राव. यस. ये मिस्टर राव कौन है? तुम भी बड़े बोर हो यार. ये इतना बड़ा एंटरटेनमेंट सामने है और तुम वो राव पाव में अटके हुए हो. लुक एट दैट एलएसजी. एलएसजी. लो स्टैंडर्ड गर्ल. अच्छा सुनो, उसके लिए मेरे पास आज एक सरप्राइज है. आज मैंने विधि के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है. वो जो हमारी नई सो कॉल्ड कंपनी की फाइल है वो कहाँ है? वो जो सत्यवती आंटी के नाम पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रेडी हो रहा है वो? करेक्ट. उस पे काम बाकी है थोड़ा. उसे फटाफट रेडी करो क्योंकि मिस विधि हमारे इंसल्ट के लोन की आज पहली किस्त चुकाने वाली है. तुम मुझ तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन मुझे तो तुम तक आना ही है ना. 15 साल बाद तुम्हारा अकेला होना कायनात का इशारा है कि तुम मेरे होते. सिर्फ मेरे. मेरा इंतजार और तुम्हारा सब्र अब पूरा करने का वक्त आ गया है देव. मैं तुम्हें अपना बनाने आ गई हूँ देव, हमेशा के लिए. तुम्हारी होने वाली अम्मा. अरे अम्मा जी, आप. नमस्ते. प्रणाम. अरे अरे रहने दीजिए. कैसी हैं आप और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है. मैं आपके दामाद, आपकी बेटी, सब कुशल मंगल है. इंदौर आई थी कुछ काम से, सोचा आपसे मिल लूं और ग्वालियर की कुछ खास मिठास को आपकी जिंदगी का हिस्सा बना दूं. जी आप खास मिठाइयाँ लाई हूँ ग्वालियर से आपके लिए. अरे इस सब की क्या जरूरत थी, लड़की वाले तो हम लोग हैं. मिठाई और भेंट देना हमारा काम है, आपका नहीं. आपके परिवार से खास रिश्ता है मेरा, इतना हक तो बनता है ना. वैसे देव कहीं दिखाई नहीं दे रहे. देव अभी अभी ऑफिस गया है. अब आप आइए ना, बैठिए. मे आई कम इन? कम इन. सॉरी मैम, मुझे आज थोड़ा लेट हो गया. इस ऑफिस में पंक्चुअलिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है. आइंदा से लेट हुई तो एक्शन लिया जाएगा. और तुम अभी इंटर्न हो समझी, वरना ऑफिस से बाहर फेंकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ये हमारी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की फाइल है, इसके अकाउंट्स तुम्हें संभालने हैं. काम आज से शुरू करना है. समझ आया या दोबारा बोलो? नहीं सर, रास्ते थोड़ी है जो समझ. समझ आ गया सर, समझ आ गया. गुड. देव सर की मम्मी सत्यवती जी के सिग्नेचर चाहिए इस पे अभी. सर वो भी इस ऑफिस में काम करते हैं? सत्यवती आंटी ऑफिस में जब तक जरूरी काम नहीं होता है तब तक नहीं आती है.
तुम्हें घर जाकर उनके साइन लानी होगी। घर? मैम मैं घर कैसे जा सकती हूँ? मैं कहीं भी कैसे जा सकती हूँ? मुझे ऑफिस के अलावा कहीं भी जाने की परमिशन नहीं है। अरे वाह विधि, तुम्हें तुम्हारी 10वीं सालगिरह मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस। सर ये आप क्या कह रहे हैं? पहली बात तो मैं 10 साल की नहीं हूँ, मैं 21 साल की हूँ सर। अरे वाह, तो आप जानती हैं आप 21 साल की हैं, तो क्यों 10 साल की बच्ची की तरह बिहेव कर रही हैं, जिसे इधर उधर जाने के लिए इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत पड़ रही है? थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप में, समझी? सो कॉन्फिडेंस लाने के लिए ही तो ऑफिस आई थी, अब आप ऑफिस के बाहर भेजेंगे तो नहीं, मैं नहीं जा सकती। एक घंटे के अंदर अंदर सत्यवती आंटी के साइन के साथ ये फाइल मुझे यहाँ चाहिए। निकलो क्विक। एक घंटे में साइन करवा के वापस आना है, और उसमें भी नहीं जगह तो 36 बार तो मैं खो जाऊंगी, तब जाके वहां पहुंचूंगी। और 36 बार आती बार के खोने के अलग, तो 72 बार तो खोना है मुझे, कैसे होगा? अनाया जी मुझे वो देव सर के घर का एड्रेस चाहिए था, और वो भी डिटेल्ड डायरेक्शंस के साथ प्लीज। देव सर का एड्रेस, और वो भी तुम्हें? क्यों? वो कनिका मैम ने कहा है इन पेपर्स पर देव सर की मम्मी जी के सिग्नेचर्स चाहिए। ओह गॉड गाइस, फ्लैश न्यूज़, व्हाट हैपेंड? हमारे इंटर्न को देव सर के घर भेजा जा रहा है। बड़ा रायता फैलने वाला है। अनाया जी वो यहीं फैल जाएगा अगर आपने एड्रेस नहीं दिया। रिलैक्स, मैं तुम्हें ऑफिस की गाड़ी दे देती हूँ, वो तुम्हें देव सर के घर तक पहुँचाएगी भी और वापस भी लेके आएगी। थैंक यू इंदिरा जी, अब तो चांद तक क्यों ना ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू भैया, आज ना आपने मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज पहली बार अपनी जिंदगी में मैं बिना खोए कहीं पहुंची हूँ। घर वाले तो ना कम से कम 50 कसमें खिलवाएंगे फिर मानेंगे। अभी अभी तो आप आई है अम्बा जी, और खाना खाए बिगड़ जा रही है। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जाना जरूरी है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे शहर में आइए और हमारे साथ खाना खाए बिगड़ जाएगी। एक काम कीजिए, रात का खाना हमारे साथ खाइए, तब तक घर के सारे लोग भी आ जाएंगे, देव भी आ जाएगा। अब आप इतने प्यार से बुला रही है तो मना करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? मैं आऊंगी, फिलहाल के लिए चलती हूँ। ठीक है चलिए, मैं आपको छोड़ रही हूँ। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं चली जाऊंगी। ओके बाय बाय। बाप रे कितना बड़ा घर है ये, एकदम महल के जैसा। यहाँ पे मैं तो क्या, यहाँ रहने वाले भी खो जाए। शादी वाले दिन भरा भरा था इसलिए इतना समझ नहीं आया। सॉरी मैम, सॉरी। देख के नहीं चल सकती? वो एक्चुअली मैम मैं देख के ही चल रही थी, पर मैं घर देख रही थी, मैंने आपको नहीं देखा, सॉरी। मैम आप मिसेस रायचंद, आप मिसेस रायचंद, आप मिसेस रायचंद, आप मिसेस रायचंद, आप मिसेस रायचंद।
क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। नमस्ते मैम। उसके पहले क्या बोला? वो एक्चुअली सॉरी मैम, मैं घर देख रही थी, मैंने आपको। इन दोनों के बीच में क्या बोला? मिसेस रायचंद। सिर्फ मिसेस रायचंद? मिसेस देव रायचंद। फिर से बोलो। मिसेस देव रायचंद। फिर से बोलो। मिसेस देव रायचंद। अच्छा बोलती हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है या अभी इस वक्त मुझे मीठी लग रही है। वैसे तुम कौन? मैम मैं विधि। सॉरी वो मैं देव सर के ऑफिस में काम करती हूँ। अच्छा मैम, मुझे इन डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर चाहिए थी। विधि, अगर मेरे हाथ में होता तो तुम्हारे सारे पेपर्स पे अभी इसी वक्त साइन करके तुम्हें दे देती, लेकिन सिग्नेचर्स के लिए अब एक्सक्यूज मी, ये आपको ले जाएंगे। ओके थैंक यू मैम। मैम वो बोलो। थैंक यू मिसेस देव रायचंद। सॉरी इस लड़की को कभी अपने से अलग मत करना दिए। गलती से ही सही, इसके मुंह से आज वो निकला है जो मेरा सपना है। सेकेंड, सुधा। यस मैम। एसी थोड़ा कम कर। ओके मैम। थैंक यू मैम। तुम नई नई आई हो ना ऑफिस में, योगेश ने फोन करके बताया था। जी मैम। योगेश और कनिका देव के सिर्फ करीबी दोस्त नहीं पर बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनसे सीखते रहना, काम आएगा। जी मैम, अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, वो मुझे उतना आता नहीं है ना, पर मैं सीख जाऊंगी। सीखने के मामले में बहुत तेज हूँ मैं। That's it, ma'am. Thank you. मैम, मैंने खाना लगा दिया आपके लिए। Good. मेरी दवाई भी रख देना, मैं लंच के साथ लूंगी। ओके मैम। चलो तुम भी खाना खाओ मेरे साथ। थैंक यू मैम, पर मैम मैं ना अपना डब्बा लाती हूँ, मेरी माँ सुबह सुबह उठ के बनाती है, अगर मैंने शाम तक नहीं खाया तो खराब हो जाएगा ना। वैसे मेरी माँ उतना कुछ बोलेगी नहीं लेकिन उनका दिल टूट जाएगा। ठीक है तुम अपना डब्बा खा लेना, मेरे साथ बैठकर तो खा सकती हो। हाँ मैम ये कर सकते हैं। चल। नहीं नहीं मैं ले लूंगी। मैम बाकी के लोग कब आएंगे? और कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ हम दोनों खाना खा रहे हैं। आपकी खुराक तो बहुत अच्छी है। तुम्हें क्या लगता है ये सारा खाना मैं खाने वाली हूँ? वही तो मैम, तो फिर ये बाकी का खाना? बाकी का खाना स्टाफ है ना वो खाएगा। लेकिन आप ऐसे एक टाइम पे इतनी सारी दाल, इतनी सब्जियों और इतनी मिठाइयों का स्वाद कैसे ले सकती है? मतलब जुबान और पेट को तो कुछ समझ ही नहीं आता होगा कि किस चीज को कहाँ रखूँ, किस चीज को कहाँ शिफ्ट करूँ। पेट में सब ऐसे
गड़बम बड़बम हो जाता होगा ना। मैम आपको पता है हमारे इधर अगर माँ एक दाल पे दो सब्जियां बना दे तो पापा डांट देते हैं कि फिजूल खर्ची कर रही हूँ। चल अरे ये तो करेले के छिलके की सब्जी। दस सालों के बाद मैं सब्जी को देख रही हूँ। अरे हमारे घर पे तो सब मरते ही सब्जी पे। माँ इतने प्यार से बनाती है कि सबको पता चलने पे मुंह में पानी आने लगता है। तारीफ ही करोगी या कुछ खिलाओगी भी? मैम आप मेरी फिरकी ले रही हो ना। इतनी सारी सब्जियों के बीच अब ये सब्जी खाना चाहती है। मैं सच में सब्जी को चखना चाहती हूँ, क्योंकि जो बात इस सब्जी में है वो इन सारी सब्जियों में नहीं है, पर वो है प्यार। अब तो पक्का लीजिए। जानती हो ये सब्जी खाकर सिर्फ जीभ को ही नहीं मन को भी स्वाद आ गया। इस सब्जी के साथ बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। वो दिन जब लोगों के आंगन छोटे और दिल बड़े हुआ करते थे, जब सब्जी एक खाने वाले अनेक हुआ करते थे, घर का खाना घर की सारी औरतें मिलकर बनाया करती थी। जैसे हमारे घर पे अचार बनता है, बनाती माँ है पर सबको काम पे लगा देती है। अगली बार आएगी तो अचार लेकर आना। पक्का मैम पक्का। अरे वाह मुखवास में भी इतने जाकी झंडों का खेल। लो हाय सिम्मी, खाना खाया कि नहीं? ना मैंने पिज्जा खाया। सिम्मी और सिम्मी का पिज्जा। सर आपको पुराना लगे तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आपकी बेटी ना बहुत प्यारी है। हेलो बोलो। हेलो। हाय मैं आपकी पापा के ऑफिस में काम करती हूँ। पापा का ऑफिस? पापा का ऑफिस तो किचन में ही है। और वहाँ वो अकेले ही काम करते हैं। उन्हें कुकिंग का बहुत शौक है ना। कुकिंग? अच्छा मैम अब मैं चलती हूँ। वो ड्राइवर भैया धूप में सिक्के पापड़ बन गए होंगे।